अनूपपुर में कमलनाथ की गाड़ी पर हुए पथराव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पथराव करने का आरोप लगाया। इस मामले में पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि इस घटना से बीजेपी या युवा मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है और ये इतिहास गवाह है कि मध्य प्रदेश बनने के बाद से लेकर अब तक मध्य प्रदेश राजनीतिक सद्भाव की धरती रही है। राजनीतिक तौर पर सौहार्द का वातावरण मध्य प्रदेश में है, लेकिन लगातार गाली गलौज की भाषा, लगातार हिंसा और हिंसा की प्रवृत्ति फैलाने वालों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस लगातार कर रही है। एसडीएम की चेहरे पर काले पोतते हैं, कानूनन कार्रवाई होती है, कांग्रेस से बाहर नहीं होता। सतना में वो लव जिहाद का आरोपी तमाम प्रकरण दर्ज होते हैं, कांग्रेस से बाहर नहीं होता। एक मंत्री ग्वालियर के प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनके साथ में अभद्रता होती है, हिंसा होती है, कांग्रेस से बाहर नहीं होता। और अनूपपुर की घटना भी भारतीय जनता पार्टी ना कभी करती है, ना करने का सोचती है, ना भारतीय जनता पार्टी की विचार में है, ना शैली में है, और ना ही इस प्रकार की घटनाओं को हम किसी भी तौर पर स्वीकार करते हैं। ये जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, निंदनीय है, आपत्तिजनक है, सर्वनाक है। हम ऐसी घटनाओं की भर्त्सना करते हैं, जांच का विषय है, कानून आपको अपना काम करना चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देना कौन चाह रहा है? पिछले 5-6 महीने का इतिहास उठाकर देख लें तो इस प्रकार की घटनाओं को और कथनों को, वचनों को उकसाने को, भड़काने को, अराजकता के वातावरण बनाने को कौन प्रश्रय दे रहा है, स्पष्ट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि मध्य प्रदेश राजनीतिक सौहार्द और सद्भाव की धरती है, एक दूसरे के प्रति भाईचारा है। भगवान करे कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, खूब जिए, अच्छे जिए, स्वस्थ रहे, लेकिन इस प्रकार का एक दूसरे के प्रति कहीं किसी प्रकार की भी हिंसा को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं। कौन है जो इसको इस प्रकार की घटनाओं को उकसाना, बढ़ाना, फैलाना चाहता है, उसको बतंडा खड़ा करना चाहता है, इसको फैला के बड़ा के अराजकता का माहौल खड़ा करना चाहता है, वो कौन है? वो ने अतीत भी बताया। भारतीय जनता पार्टी की ना शैली है, ना संस्कार है, ना करेगी, ना करने देगी। लेकिन जांच का विषय है, गंभीर जांच का विषय है कि कौन है जो इस प्रकार के कृत्य करने, करवाने, उकसाने में, बढ़ाने में, फैलाने में यकीन रख रहा है। वीडियो बन रहे हैं, तत्काल वायरल भी हो रहे हैं। कौन है जो इस प्रकार की प्रवृत्तियों को फैलाना चाहता है? जांच का विषय है, पुलिस गंभीरता से ले। और पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जातीय तनाव, जातीय संघर्ष फैलाने बढ़ाने की घटना हो या राजनीतिक कार्यक्रम गतिविधियों को लेकर हो, किसी भी प्रकार से कोई हिंसा ना घटे, इस प्रकार का बंदोबस्त करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में ना हिंसा थी, ना हिंसा है, ना हिंसा रहेगी। लेकिन कांग्रेस ने पिछले 4-5 महीनों में जिस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है वो आपत्तिजनक है, शर्मनाक है। मैंने कहा जांच का विषय है और पुलिस को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। ठीक, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।